छौरे से बैठक लेकर अमरवाड़ा लौट रहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता पर खूट पिपरिया के पास हमला, अधिवक्ता राजकुमार सरयाम घायल। माचागोरा डैम से क्षेत्र में पानी की मांग, भाजपा किसान मोर्चा ने खमार पानी से निकाली यात्रा, बिछुआ में हुआ यज्ञ हवन। SC ST और OBC संगठनों की बैठक संपन्न, शोषण के खिलाफ एकजुट होकर प्रयासों की बनाई कार्य योजना। और बारिश के बाद बढ़ी उमस के चलते जगह जगह निकल रहे सांप, सर्व विशेषज्ञों ने दी सावधानी की सलाह। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिनभर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं रीति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। चौरे के खूट पिपरिया के पास हुए हमले में घायल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अधिवक्ता राजकुमार सरयाम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिवक्ता राजकुमार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परदेसी हताप साह तिरगाम के साथ चौरे में बैठक के बाद अमरवाड़ा लौट रहे थे कि अज्ञात तत्वों ने रास्ते में झाड़ गिराकर वाहन रोका और कुल्हाड़ी से हमला किया। हम लोग रात में 9 बजे करीब चौराहे से आमाझिरी के लिए जा रहे थे, तो पिपरिया और आमाझिरी के बीच में जंगल पड़ता है, वहाँ पर रोड में एक पेड़ ऐसा काट के रोड में डाल दिया गया था। जब हमारी कार वहाँ पहुँची तो हमने देखा कि रोड में जो है पेड़ पड़ा हुआ है। हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार सरयाम जो उसको उठा करके बाजू करने गए, उसी बीच में एक शख्स जो बाजू में छुपा हुआ था वो आकर के उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया, और उसके तुरंत बाद जब तक हम कार से नीचे उतर उतनी देर में वो अंधेरे का फायदा उठा करके जंगल में भाग गया। फिर हमने उनको, क्योंकि उनको घाव लग गया था और ब्लड निकलने लगा था, तो उनको उठा के जल्दी और कार में लेकर के फिर हम आगे बढ़े। आगे आमाझिरी पहुँच के वहाँ पर जाकर उनका थोड़ा सा प्राथमिक उपचार करके 100 नंबर डायल की, 108 बुलाया, और वहाँ से उनके माध्यम से फिर चौड़ाई लेके हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर नहीं था तो प्राथमिक उपचार करके उन्होंने फिर चौराहे थाने में उनका रिपोर्ट करके फिर उनको लेकर के यहाँ छिंदवाड़ा अस्पताल ले गया। यहाँ फिर उनको टांग बना के लगा। किसी पर शक है आप? अभी शक मत तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन केवल ये हो सकता है भाई राजनीतिक प्रतिद्वंदता जो बढ़ रही है गोंडवाना में, इसके चलते हो सकता है किसी से विवाद विवाद रहा हो। नहीं नहीं, अभी हमारा तो ऐसा कुछ किसी से विवाद विवाद नहीं है, अब बगैर देखे क्या कह सकते हैं। भाजपा किसान मोर्चा ने आज खमार पानी से बिछुआ तक पैदल यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय किसान शामिल हुए। बिछुआ पहुंचकर पूजा अर्चना और हवन किया गया। दरअसल किसान माचागोरा डैम से क्षेत्र के लिए पानी की मांग कर रहे हैं। सपना आया कि आज मैं यदि जनता के लिए और किसानों के लिए बिना चप्पल के पद यात्रा करके यदि क्षेत्र में मैं किसानों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए यदि निकलता हूँ, तो भगवान मेरे कष्ट को देखते हुए, मेरी समस्या को देखते हुए, समाधान में बदलते हुए आशीर्वाद देंगे। और जो उद्देश्य है कि बिछुआ जल संकट से जूझ रहा है, जलमग्न हो जाए, नहर भी आ जाए, माचागोरा डैम की जल स्तर भी बढ़ जाए, भरपूर किसानों का कल्याण हो, इसी उद्देश्य से हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में और बिछुआ से प्रारंभ करके, शंकर वन से प्रारंभ करके और कपूरदा में समापन करने का निर्णय लिया है। इस पदयात्रा में आप सबका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। जगह जगह गाँव गाँव स्वागत हो रहा है, गाँव गाँव से समर्थन मिल रहा है, हस्ताक्षर अभियान हो रहा है, इसको हम हमारे विधायक सांसद और केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री तक पहुंचाकर अपनी बात पहुंचाकर मनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अखिल भारतीय OBC महासभा के साथ SC ST संगठनों द्वारा आगामी दिनों में विशाल सम्मेलन की योजना बनाई गई है। आज संपन्न बैठक में आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। ये प्रस्ताव चुनौती के रूप में ये सम्मेलन के माध्यम से पूछने वाले,
कोई भी मुख्यमंत्री आके बता दे कि आदिवासी जिंदा कैसे। साथियों, आज ओबीसी भाई से मदद इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि ओबीसी भाई हमारा आखिरी सहारा है। मुस्लिम भाई को इसलिए मदद मांगने जा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम को लगता है भैया ये भी मेरे जैसे दुखी है, मैं इसी वंश का आदमी हूं। ओबीसी को ओबीसी बोलने के लिए अभी 112 साल हो गए। 112 साल पहले आप इटीबीटी रिपोर्ट पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा आप काय में थे। शेड्यूल कास्ट को पूछिए, आप काय में थे। तो ये जितनी बातें हो रही है, जिसका देश, जिसका प्रदेश, जिसकी जमीन, जिसकी जनसंख्या, वो आदमी बाहर हो गया है। ये पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं है, सोशल लैंग्वेज है। उसको सिस्टम से बाहर कर दिए। बाहर का स्टेट का आदमी आकर मध्य प्रदेश में घर बना लेता है, अपनी जिंदगी बना लेता है, प्रॉपर्टी बना लेता है, लेकिन जिसकी जनसंख्या कमी है, वो आदमी यहां पर आकर दो वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाया। तो ये व्यवस्था किसके लिए काम करते है? लेकिन यही का मूल निवासी, यही का मालिक, वो दो वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहा है। ये परिस्थितियां निर्माण कैसे हुई, ये प्रश्न है हमारा। कल शेड्यूल कास्ट पे आएगी और मुस्लिम पर तो आएगी, क्योंकि मुस्लिम में क्या, अगर मुसलमानों के दिमाग में अगर ये बात आ गई है कि भैया उनके लिए कोई नहीं है, 85 रुपए 50 पैसे उसकी देनी थी उनका, उससे ओबीसी भी 65 रुपए 80 पैसे और आदिवासी की कितनी है मालूम है, 6 रुपए 90 पैसे। तो रोटी कैसे आएगी? जो आदिवासियों की लीडरशिप करने का दावा करते हैं, जो आदिवासियों के प्रदेश में रहते हैं, उन लोगों ने बताना चाहिए कि आदिवासी के लिए हमने क्या किया, उसका रेट ऑफ इनकम कैसे हो गया 6 रुपए। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहिए, कोई मास्टर नहीं है। आप अपनी सामाजिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हो तो आपका जिंदा रहना कोई मतलब उसका नहीं है। बुनियादी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी कि हम सामाजिक लड़ाई लड़े, ओबीसी अपनी सामाजिक लड़ाई। आज जिला छिंदवाड़ा में आदिवासी एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक सभी भाइयों की एक संयुक्त बैठक रखी गई है, जिसमें हमें ओबीसी महासभा, राष्ट्रीय पिछड़ा संघ, सभी हमारे जो सामाजिक दल काम कर रहे हैं छिंदवाड़ा जिले में, सभी हमारे सामाजिक संगठनों का इसमें सहयोग लिया जा रहा है। आगामी 22 तारीख को एक विशाल आदिवासी सम्मेलन छिंदवाड़ा में किया जाने वाला है, उसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए और जमीनी स्तर पर जो आदिवासियों के साथ में शोषण हो रहा है, जो ओबीसी के साथ में शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और आरक्षण के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ओबीसी एससी एसटी को कहीं भी अधिकार नहीं मिल रहा। भाई, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जागरूक हुए हैं और अब ये लड़ाई अंतिम छोर तक हम लड़ेंगे। सोनपुर निवासी निर्मला यादव की मृत्यु के पश्चात छिंदवाड़ा पहुंचे बेटे अंकित ने अपने पिता को मां की मृत्यु का जिम्मेदार बताते हुए संगीन आरोप लगाए हैं। यादव कितने साल हो गए नौकरी को? नागपुर में करती थी। अच्छा, नागपुर में करती हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 2 साल से लगभग, अभी कुछ 6-7 महीने से अनाथालय एक है रेलवे स्टेशन के पीजी साइड में, वहाँ पे अनाथालय में काम कर रहे हैं। और कौन रहता साथ में? कोई भाई बहन है तुम्हारे? नहीं, हम दो भाई हैं। दोनों भाई? ये छोटा है? हाँ, इसे भी मैं नागपुर में हॉस्टल में पढ़ाता हूँ, हॉस्टल में रहता है। तुम लोग को खबर लगी? हाँ, कल रात को। कैसे खबर लगी बेटा? फोन कर रहे थे, मामा को फोन आया। कहाँ की बात है ये? कौन सा गाँव? नागपुर में रहते हैं। नहीं नहीं, ये जो मम्मी तुम्हारी रही वो सोनपुर में? कौन सा सोनपुर है? ये कॉलोनी है, नई बनी है अभी जो। अच्छा, जहाँ पे अभी मकान प्रधानमंत्री वाले सबको मिला है। बचपन से ही रह रहा हूँ मैं वहाँ पे, मामा मामी के पास। क्या हुआ आपकी मम्मी के साथ और क्या स्थिति थी, इसके पहले कब बात हुई थी, सब बताओ। बस कल शाम को ये हुआ, कल शाम को मेरी 6:15 बजे बात हुई थी, 6:15 बजे बात हुई थी। 7 बजे मैं अपने नाइट ड्यूटी रहती, मैं अपने ड्यूटी पे निकल गया था। उसके बाद ये कुछ घटना 8 बजे हो गई, मेरे को फ़ोन आया, मुझे नहीं आया, मेरे मामा को फ़ोन आया और उनको बोले कि जहर खाली बोले थे इसकी मम्मी ने और मर गई। आपकी 6 बजे की क्या बात हुई?
6 बजे मुझे बुला रही थी कि घर पे आ तुझसे कुछ बात करनी है, यहाँ मैं नागपुर में रहता हूँ, तो मुझे चिनवाड़ा बुला रही थी। क्या बात हुई? कोई घर में एक किसी दूसरे औरत के साथ एक मुझे रख गया था घर के अंदर में, उसके साथ सोता था, बाजू में माँ को बैठने के लिए बोलता था, तो बीवी है क्या उसकी फोन थी, इस तरह हरकत करता था वो, और हम रहते थे मामा मामी के पास में, वही पढ़ते। आप कब से रह रहे हैं नागपुर में? मैं बचपन से मुझे नाना नानी के पास में रहा, यहाँ पे नहीं रहा हूँ। क्या लगता है तुमको मम्मी को कैसे कहता है, क्या लगता है? मम्मी को यानी दारू बनाता है, एक दारू पीता है वो, और हमेशा मारने का काम करता मेरा बाप। आज की बात नहीं है, 20 साल से देख रहे हैं, मैंने कई बार मारे, मैं आगे एक बार पसली तोड़ चुके हैं, एक बार कमर तोड़ दिए थे, एक बार हाथ तोड़ दिए हैं, कई बार ऐसे किए, छोटे मोटे कई बार केसेस भी किए, लेकिन इसका भी कुछ नहीं हुआ। कल दिनांक सोनपुर की एक महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी, जो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। परिवार वालों ने उसके पति को प्रताड़ना का आरोप, मारपीट का आरोप लगाना बताया है, अभी जांच जारी है। मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु का कारण अज्ञात है। प्रथम दृष्टया कुछ ऐसा परिजनों का क्या मतलब? परिजनों का आरोप है कि वो पुराने विवाद उनका पति पत्नी का चलते रहता था, और महिला जो तो अनाथालय में काम करती थी और बीमार रहती थी। क्या नाम? जो महिला का नाम है निर्मला यादव, सोनपुर। किस स्थिति में उसको भर्ती किया था अस्पताल में? वो घर में चक्कर खा के गिरी और उसको ला के हॉस्पिटल में भर्ती किए, हॉस्पिटल में खत्म हो गए। ससुराल से लाए थे? नहीं, हाँ ससुराल से। शुरुआती बारिश के बाद जमीन में बड़ी उमस के कारण जहरीले कीटों और विषधरों का निकलना शुरू हो चुका है। हर साल इन्हीं दिनों में स्नेक बाइट्स के केस बढ़ते हैं। सर विशेषज्ञों की माने तो सावधानी में ही सुरक्षा है। ग्लोबल नेटवर्क कार्यालय के परिसर में निकले रसेल वाइपर को सर विशेषज्ञ हेमंत गोदरे ने पकड़ा और उसे जंगल में छोड़ा गया। दांत देखो उसके, क्या है भैया ये? रसल वाइपर से इसके दांत की भी ले लेते हैं ना थोड़ा। अरे तुम हाथ देखना बचा करके, चलो ठीक है, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो, भागना नहीं है। रस्सी लिया, अरे पानी दिया, रस्सी देखना वहीं। महिला एवं बाल विकास विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद एनआईसी कक्ष में परियोजना अधिकारियों तथा सुपरवाइजर से चर्चा कर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी एमएल मेहरा ने जरूरी निर्देश प्रदान किए। जो प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन को ग्राम पंचायत के सचिव की जो आईडी है उसमें मेल कर दे, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी जब मतलब ट्रेनिंग देगी, समझ गए ना, तो वो मतलब जो है पेन ड्राइव सब जगह आज तो गांव में पेन ड्राइव है, सचिव को बोलेगी तो वो पेन ड्राइव में निकाल के टीवी में पेन ड्राइव लगा के उस दिन मतलब वो प्रेजेंटेशन बता देगी। अपना जो प्रेजेंटेशन है वो जो है निकालो, निकाल के जो है वहाँ पर जो है सीओ साहब से जो है बात करके उसको जो है कमिश्नर साहब की जो चिट्ठी है वो दिखा के साहब ये जो है भेजा है, पता कर लेगी कि वो उनके पास पहुँचा कि नहीं पहुँचा। मैं मतलब ये है कि आप प्रेजेंटेशन जो है दोगे तभी मतलब वो अच्छे से हमारा जो है काम जो होगा। अब दूसरा मुद्दा जो है कार्योजना में हो गया, मुद्दा तो मैंने बोल दिया, इसमें हरई और चौरई को और छिंदवाड़ा ग्रामीण को और तामई
मेन वाले जो हैं अभी जो है कमिश्नर साहब तामिया में आने वाले हैं, भारिया ग्राम में जितने भी भारिया हैं, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो मतलब जो है चिट्ठी है और जो पोस्टर है वो प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पे वहाँ पर पोस्टर जो है लगा रहना चाहिए, चिट्ठी वहाँ पर जो रहना चाहिए। अभी कल जो बीसी हुई थी कमिश्नर साहब की, तो सीएम साहब ने कुछ बहुत सारी मतलब जो है प्राथमिकता है मतलब जो है वहाँ सभी लोगों को जो है बोली उसमें मतलब जो है अपने ज़िले में हो सकता है वो 2-3 दिन बाद जो है आ जाए, तो 2-3 दिन ही हमारे पास कि हमारा वो कागज़ वहाँ पहुँच जाए। कागज़ नहीं पहुँचेगा तो फिर जो है, तो आज चिट्ठी हमारे पास जो है मैसेज आना चाहिए सबको, है ना, प्रेजेंटेशन होना, तो एक 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 मतलब जो है पोस्टर हम पहले दे दिए, समझे कैसे है। जनपद सभाकक्ष में आज राष्ट्रीय आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें अब तक की कार्य प्रगति पर जानकारियां लेकर टारगेट अगेंस्ट अचीवमेंट तय किए गए। आज की जो समीक्षा बैठक है तो उसमें NRLM के जितना भी स्टाफ उनकी समीक्षा हो रही है और उसमें एक एक सदस्यवार क्या क्या प्रोग्रेस उन्होंने की है, कितना अचीवमेंट है टारगेट के अगेंस्ट में, उसकी पूरी लिस्टिंग फाइनल की जा रही है और इसके आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में क्या रणनीति, अगले क्या बोलते क्वार्टर में क्या रणनीति होना चाहिए, कैसे उन पुराने लक्ष्यों को पूरा किया जाए जो फर्स्ट क्वार्टर में नहीं हो पाए उसके ऊपर रणनीति बनाई। देश और राज्य में बेटियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और अपराधों को लेकर हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं। मंदसौर की घटना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए टॉपर फाउंडेशन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र न्याय की मांग की है। हम अपना अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते बेटियों के बलात्कारियों को झूठे मारो सालों को। हम लोग टॉपर फाउंडेशन से हैं। हम लोग आज दिव्या माली के साथ जो दुष्कृत्य किया गया है उस मासूम बच्ची के सपोर्ट में हम लोग आए हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग टॉपर फाउंडेशन की पूरी टीम यहाँ पर इकट्ठी हुई है और उसके उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं उसका, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी और उस बच्ची को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद। सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए ऐसे आरोपियों को, इससे आगे इस तरह की कोई घटना ना। और अब इन तमाम खबरों को समेटते हैं देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं अभी तक की हेडलाइंस को। चौरे से बैठक लेकर अमरवाड़ा लौट रहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता पर खूट पिपरिया के पास हमला, अधिवक्ता राजकुमार सरयाम घायल। माचागोरा डैम से क्षेत्र में पानी की मांग, भाजपा किसान मोर्चा ने खमार पानी से निकाली यात्रा,
बिछुआ में हुआ यज्ञ हवन। एससी एसटी और ओबीसी संगठनों की बैठक संपन्न। शोषण के खिलाफ एकजुट होकर प्रयासों की बनाई कार्य योजना। और बारिश के बाद बड़ी उमस के चलते जगह जगह निकल रहे सांप, सर विशेषज्ञों ने दी सावधानी की सलाह। इस बुलेटिन में खबरों का सफर नामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।